हम इसको कहना चाहता है कि एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बने, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मैं ग्राम धर्मपुर का निवासी हूं, मेरा नाम रामलोट तिवारी है, सनाब जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर शहादत का मैं रहने वाला हूं। मैं जनेऊ की कसम खाकर कह रहा हूं कि अब मैं जोगी सरकार को 2017 के इलेक्शन में हम लोगों ने इनको जिताया और जिता करके इनको जिता करके हम लोगों ने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ सुख सुविधाएं मिलेंगी। आज वो नौबत है कि मैं रात भर बछवा रखाता हूं, गाय रखाता हूं और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे घर के जो जवान नौकरी कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम पर धारा लगा करके हम भेज देंगे, जेल में सर जाओगे, या तो तुम जमीन की अपनी सहमति दे दो। मैं कैसे सहमति दे दूं, हमें क्या मिल रहा है? मेरा घर नापा गया, उसका उचित मुआवजा नहीं लगाया गया, मेरा खेत जबरदस्ती पेड़ भी नाप लिया गया, अभी एक चक्की लगाए थे वो नहीं नपी हुई है, मनमानी तौर से नाप रहे, मनमानी तौर से मुआवजा लगाकर भेज रहे हैं। ये सरकार से गुजारिश है कि अगर आने वाली टाइम में मैं भाजपा का वोटर था, लेकिन अब मैं अपने आदौलाद और पूरे ग्राम सभाओं को कहूंगा कि भाजपा के चक्कर में मत आए। मैं यही कहना चाहता हूं, हम लोग जो नौबत भोग रहे हैं वो हम भोग रहे हैं। जिंदगी भर किसी तरह में कमा करके घर बनाया, अब आज हमारा घर उजाड़ा जा रहा है, बच्चे हमारे भगाए जा रहे हैं, हम कहां चला जाऊं? प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, धमकी दे रहा है। हमारे यहां अभी अभी एसडीएम महोदय और डीएम वो महोदय पहुंचे हैं, एसडीएम महोदय, समझे? क्या करें, हम लोग गांव छोड़कर भाग जाए? हमारे यहां के जो किसान हैं, किसान के बच्चे, जो औरतें शेड्यूल कास्ट की है, वो अपने अपने बच्चों को कहते हैं कि अंदर हो जाओ, नहीं गब्बर सिंह आ रहा है। बताइए, हम लोगों की ये नौबत है, बना खाना नहीं खा रहा है कोई, हम लोग या तो साले को कहीं न कहीं जान दे दें, क्या करें हम लोग? इसके साथ हमारा प्रशासन नहीं साथ दे रही है, मीडिया वालों भी वैसे नहीं चलाते, कभी भी नहीं सुनाई दिया कि कहीं पेपर में दिए हुए हैं सीरियल से कायदे से कि हम लोगों का न्याय मिले। क्या नाम है? रामलोट तिवारी, तिवारी, ग्राम धर्मपुर। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।